श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब का आज नार्को टेस्ट करवा रही है और फॉर्म पर दस्तखत के बाद आफताब का नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। आफताब को पहले फॉर्म को अच्छी तरह पढ़कर समझ लेने का मौका दिया गया। नार्को के दौरान उसे श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़े तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। आफताब का नार्को अम्बेडकर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में किया जा रहा है। एक सीनियर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट, एफएसएल के साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, एक ओटी अटेंडेंट, एफएसएल के दो फोटोग्राफर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मौजूदगी में यह पूरा का पूरा टेस्ट हो रहा है। मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट ही आफताब से सवाल पूछ रहे हैं जबकि फोटो एक्सपर्ट इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता अंबेडकर अस्पताल से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त का अपडेट दें, ये जांच नाकू टेस्ट कहां तक पहुंचा? देखिए, नार्को टेस्ट की तीन स्टेज होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो टेस्ट स्टेज होता है, जहां पर उनसे नाम अपने उसके बारे में जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है और डॉक्टर और एक्सपर्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्टेज पर सब्जेक्ट है और उसके बाद जो सवाल आईओ के होते हैं वो पूछे जाने शुरू किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेन टेस्ट है यानी जो तीसरा चरण है वो अब यहाँ पर शुरू हो गया है। उसके पहले यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखाएं, आप देखिए ये पूरा इलाका, ये गेट बंद कर दिया गया है अंबेडकर हॉस्पिटल का, किसी भी मरीज को भी इधर से नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया गया है और उस इलाके में जहां पर ये सब कुछ चल रहा है, जहां पर नार्को चल रहा है, वहां पर भी अंदर उस एरिया को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और आईओ ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जो टूटी कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने में उन्हें मदद मिलेगी और अभी तक जो कुछ भी आफताब ने छिपाया है जांचकर्ताओं से वो सारे सवालों के जवाब पुलिस को मिल पाएंगे। जी, साथ ही मानशु, इस पूरे नार्को टेस्ट पे दरअसल अब बहुत सारी चीजें निर्भर हैं। हो सकता है इस नार्को टेस्ट के जरिए श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ है इस पर जानकारी मिल सके। इसके अलावा जो मिसिंग कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इस नार्को टेस्ट से जुड़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जो पांच अलग अलग स्टेट में पुलिस की टीम पहुंची थी और जो सारे सबूत जुटाए हैं और तकरीबन 45 से 50 लोगों के पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं जो आफताब से, श्रद्धा से या उनकी फैमिली से कहीं ना कहीं से जुड़े थे। इन सारी चीजों को जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस ने जुटाए हैं, इन सब में अभी कई ऐसी जगह है जो मिसिंग लिंक्स हैं, यानी डायरेक्ट एविडेंस और कोई आई विटनेस नहीं मिला है। अब पुलिस के पास तो ये भी जानकारी नहीं है पुख्ता कि कत्ल 18 मई को हुआ या नहीं हुआ, यह भी पुलिस इसी के बयान पर टिकी है। तो अब पुलिस ये जो भी बयान इसने दिया है, एक तो ये वो जानना चाहती है कि अब तक आफताब ने जो पुलिस के सामने, जो आईओ के सामने बताया वो कितना सच बताया और क्या कुछ उसने छिपाया, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मिसिंग है। आप सिर्फ श्रद्धा का मोबाइल ही नहीं, कपड़े मिसिंग है, अभी हथियार मिसिंग है, इसके अलावा जो सिर का हिस्सा है वो मिसिंग है। तो उसने बॉडी के साथ एग्जैक्टली किया क्या, क्योंकि आरी के अलावा देखिए हम एक दुकानदार पे पहुंचे थे, वहां से हमें पता लगा था कि उसने दो हथौड़ियां और करीब 3 इंच लंबी, ठीक है।